मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ पर निशाना साधा और कहा कि संघ का काम है हिंदू मुस्लिम करना है। सनातन धर्म हमेशा से ही एकता का पाठ सिखाती है। वहीं महंगाई को लेकर कहा कि आज पेट्रोल डीजल खाद्य सामग्री के बड़े भाव से आम जनता परेशान है। सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की बात पर सिंधिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने आम जनता को राहत देने की बात कही थी, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता परेशान है और त्रस्त हो चुकी है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संघ हमेशा ही दोनों धर्मों को अलग करने की बात हुई थी, लेकिन सनातन धर्म हमेशा ही एकता वाली बात कही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारे नेता कमलनाथ हैं, उनके नेतृत्व में ही पार्टी काम करेगी। दिग्विजय सिंह ने खुद पर ही चुटकी लेते हुए कहा कि मेरे सबसे बड़ी कमजोरी आदत यही है कि मैं घर पर बैठ ही नहीं सकता। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने के सवाल पूछने पर कहा कि उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स की वसूली ज्यादा है, पूरी महंगाई की मार आज आम आदमी झेल रहा है। इसी प्रकार राफेल का प्रकरण यदि देखें तो फ्रांस ने जांच शुरू कर दी, जहां भ्रष्टाचार का पैसा दिया गया वहां तो जांच चालू हो गई, लेकिन जिसने पैसा लिया भारत का कमीशन खोर जो भी हो वहां जांच नहीं हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें मोदी जी का कितना इसमें हिस्सा है। एक हवाई जहाज की कीमत हजार करोड़ रुपए बड़ी, जिस कीमत में हम लोग 126 हवाई जहाज खरीदने वाले थे उससे ज्यादा कीमत में अब केवल 36 हवाई जहाज हमारे पास आ रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ये प्रकरण है। नियम और कानून को उल्लंघन किया गया है। और मैं इसकी अगर तुलना करूं बोफोर्स की, बोफोर्स में स्वयं राजीव गांधी जी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया था स्वयं,